तहसीन पूनावाला जी, हमने जैसे ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का दिया इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस तय की हैं और वो गाइडलाइंस ये हैं कि आपको 15 दिन का नोटिस देना होगा, आपको ट्रांसपेरेंसी बरतनी होगी, लेकिन अवैध अतिक्रमण अगर हुआ है किसी सरकारी जमीन पर, नदी पर, पहाड़ पर, तो उसे तोड़ने पर भी कोई आपत्ति नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। ये बीजेपी के लिए झटका कैसे लग रहा है तमाम विपक्षी दलों को? भाजी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं। मैं हेडलाइंस पर लेता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, बुलडोजर रिमाइंड ऑफ लॉलेसनेस। किसी भी संवैधानिक मुल्क में इस तरह के एक्शंस नहीं हो सकते। ऑफ कोर्स ये कॉमन सेंस की, सॉरी मेरी गलती है, कॉमन सेंस और बीजेपी ये दो अलग अलग है, ये साथ में नहीं हो सकते। कॉमन सेंस है प्राची जी, अगर मैं किसी सरकारी जमीन पे, नदी किनारे, माउंटेन पे इलीगल कंस्ट्रक्शन, तो ऑफकोर्स सरकार का अधिकार ही तोड़ना। ये क्या करते थे प्राची जी, आपके शो पर आकर, आपके शो पे आते बीजेपी के जितने भी मेरे मित्र है, इसको सेलिब्रेट करते थे, ये क्रिमिनल, उसकी जमीन नहीं टूटनी चाहिए, ये वो व्यक्ति फलाना व्यक्ति, उसका घर नहीं टूटना चाहिए, हमने बुलडोजर पेड़ा दिया, बुलडोजर को अपने चुनावी प्रचार में लाते थे, ये लोग वो करते थे। बुलडोजर जस्टिस का प्रतीक नहीं हो सकता। अगर किसी व्यक्ति ने गलत काम किया है, कानून को तोड़ा है, उस पर FIR है, वो कॉन्विक्टेड भी है, तो आप उसका घर नहीं तोड़ सकते एज रिवेंज। ये लोग रिवेंज लेकर उसको सेलिब्रेट करते थे, आपके शो पे करते थे। ये बात का किसी ने मनाई नहीं की, ना अनुराग भाई ने, ना मैंने, ना किसी और ने, किसी भी सेंसिबल व्यक्ति ने इसकी मनाई नहीं की। अगर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन है, मान लो किसी ने नदी के बीच में किसी ने कोई कुछ कंस्ट्रक्शन कर दिया, या किसी सरकारी रास्ते के बीच में, जो आपके नोएडा स्टूडियो के बाहर जो रास्ता है उसके बीच में किसी ने इलीगल बिल्डिंग बनाई, ऑफकोर्स उसको तोड़ना है। लेकिन दूसरी बात भी ये है, अगर कोई सालों से घर में रहता है, मान लो सरकारी बिल्डिंग में, वो सरकारी जमीन पे उसका घर है, वो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, तो उसको सारे लाइसेंसेस कैसे मिले, उसको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कैसे मिली, कौन ऑफिसर ने उसके पेपर्स पास किए, कॉर्पोरेशन या जिला परिषद के कौन अधिकारी थे, उनका क्या कार्रवाई। हम उस बात की बात कर रहे थे कि जब कोई व्यक्ति अक्यूज्ड है किसी क्राइम के अंदर या कॉन्विक्टेड है, उसका आप घर तोड़ते हो, उसको आके आप सेलिब्रेट करते हो और उसको आप जस्टिस दिखाते हो, उसके खिलाफ थे। कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन सरकारी जमीन पर या नदी पर या पहाड़ पर, कौन इसके खिलाफ है? लेकिन ये लोग किस तरह से मैटर को चेंज करते हैं, गोल पोस्ट चेंज करते हैं। लेकिन बीजेपी आज अगर कोई निर्माण अवैध है, अगर कोई अतिक्रमण किया गया है, कोई अनक्रोचमेंट किया गया, और मान लीजिए कि उसका नाम FIR में है और सरकार उस जगह को बुलडोज करना चाहती है, अब बदला तो सिर्फ इतना भरना कि आज बुलडोज ना होने की वजह की जगह अब 15 दिन बाद वो जगह बुलडोज हो जाएगी। अतिक्रमण है तो ये तो प्रूफ सरकार कर ही देगी ना, ऑफकोर्स, तो कोर्ट बाय प्रोसेस ऑफ कोर्ट। लेकिन अगर उसका उस FIR के खिलाफ, मान लो चोरी के लिए या मर्डर के लिए, तो आप जाकर उसका घर तो नहीं तोड़ सकते, घर तोड़ने के लिए सेपरेट कार्रवाई होगी, उसके लिए रजिस्टर्ड पोस्ट से लेटर जाएगा, 15 दिन का समय दिया जाएगा उसको या उसके फैमिली के लोगों को, या अधिकार होगा वो अपना पक्ष रखे, और इसके बाद इंक्वायरी होगी कोर्ट द्वारा कि अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ तो कौन अधिकारी थे, इतने वर्ष से कैसे थे, इतने महीनों से किसने कैसे थे, किस तरह से कंस्ट्रक्शन हुआ, इसमें भी इंक्वायरी होगी। तो उसके खिलाफ कोई नहीं, लेकिन FIR में नाम आए समझो मर्डर के लिए या रेप के लिए या किसी और कारण। बिल्कुल अजय आलोक जी, आज कोर्ट ने बिल्कुल साफ कहा, जो भी तहसीन पूनावाला जी कह रहे हैं, आज कोर्ट ने बिल्कुल साफ किया कि अधिकारी और सरकार जज नहीं बन सकते हैं, पावर का गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो कुछ तो कोर्ट ने पाया होगा ना, जिसके आधार पर ऐसी टिप्पणी कोर्ट ने की है, या गाइडलाइंस कोर्ट को तय करनी पड़ी बुलडोजर में। बिल्कुल सही बात है, कोर्ट ने बिल्कुल पाया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। मैंने पहले ही कहा कि आटा के साथ घून निपटता है, उसी घून को कोर्ट ने पाया। लेकिन जरा मुझे बताइए कि हमारे यहाँ तो इक्का दुक्का केस है, यहाँ पे तो कंगना रनौत यहाँ बैठे हुए आनंद रूपे, कंगना रनौत का घर तोड़ दिया था एक दिन में उठा के इनके राज में उद्धव ठाकरे जी ने, सुप्रीम कोर्ट से ही कंगना रनौत को राहत मिली या कॉम्पनसेशन मिला, झटकी मिली सरकार को, उस वक्त मुंह में दही जम गई थी, क्या हो गया था इन लोग के। और सुनील भदौरिया जी, जब मैं कोई एग्जाम्पल पूछा करूँ ना, तो नाम करके कोट किए, जैसे मैंने कंगना रनौत का कोट किया। आज मैं फिर कह रहा हूँ, एक भी अतिक्रमण हुआ, एक भी सरकारी संपत्ति पे अगर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ या जमीन हत्या हथियाने की कल्पना किसी ने की, तो ये गलतफहमी में मत रहिए कि बुलडोजर पार्क हो गया है, बुलडोजर अपना काम करेगा।